हरियाणा, जो भारत का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जो शांति और अपने देसी मिजाज के लिए जाना जाता है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब हरियाणा से जुड़े मेवात जिले में एक सांप्रदायिक हिंसा के बारे में पता लगता है, जहाँ एक विशेष समुदाय हिंदू समाज की ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव करता है, जहाँ चाकू, डंडे और अन्य कई चीज़ों से पुलिस बल के साथ अन्य कई लोगों को घायल करता है। कहा जाता है इस घटना की शुरुआत मोनू मानेसर नामक एक युवक से होती है। मोनू मानेसर राजस्थान के जुनैद और नासिर की हत्याकांड का आरोपी बताया जाता है, जिसका आरोप अभी तक साबित नहीं होता। लेकिन फिर भी यह एक विशेष समुदाय के लिए एक बड़ा चेहरा होता है। 31 जुलाई 2023 में होने वाली ब्रजमंडल यात्रा के लिए मोनू मानेसर एक वीडियो पोस्ट करता है। 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम, जिसमें वो उस यात्रा में खुद उपस्थित होने को लेकर और अन्य हिंदू समाज के लोगों को एकत्रित होकर मंदिर जाने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन यह बात एक विशेष समुदाय को चैलेंज लगती है, जिसके बाद से इस घटना को लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य कई जगहों पर प्लानिंग्स होने लगती है। उसके बाद यात्रा के दिन मेवात जिले के नूह में इस यात्रा पर हमला होता है, जहां पर कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए मंदिरों में शरण लेते हैं। उसके बाद से ही मेवात, नूह और अन्य कई जगहों पर धारा 144 लागू की जाती है, जिसके बाद से ही अभी तक ये जांच का विषय बना हुआ है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है।